रहे हैं कानून। जी बिहार झारखंड का मेगा आयोजन, बिहार कॉन्क्लेव द न्यू रोड मैप में मुख्यमंत्री ने शराब माफिया को सुधरने की आखिरी वार्निंग दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी सफल है, लेकिन कुछ धंधेबाज इधर उधर कर रहे हैं। ऐसे धंधेबाजों को कुछ ताकतवर लोगों की मदद मिल रही है, जिनकी पहचान जल्द हो जाएगी, उन्हें उनकी जगह भी दिखा दी जाएगी। सुधर जाओ, नहीं तो मिलेगी जेल। किस तरह का धंधा करने वाला कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, ऐसे धंधेबाजों की मदद भी मिल जाती है, ताकतवर लोगों की भी मदद मिल जाती है। अब इसके बारे में हम ज्यादा नहीं कहें कौन ताकतवर लोग ऐसे लोगों की मदद करते, लेकिन बहुत सारे ताकतवर लोग भी मदद करते रहते हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक कुछ अधिकारी भी शराब माफिया के साथ मिले हुए हैं और शराब तस्करी में उनकी मदद करते हैं। कानून के रक्षक भी खेल में शामिल, पैसों के लिए बेच रहे हैं अपना ईमान। जिसके हाथ में आप अधिकार दीजिएगा कानूनी, उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धंधेबाजी में जानते हैं कि बड़ा आमदनी हो रहा है, तो उसमें शरीक रहते हैं, पकड़ाते हैं, अंदर जाते भी हैं, डिसमिस भी होते हैं। लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति ऐसे लगातार भिड़े रहेंगे और कुछ लोग एक दो उदाहरण देकर कहेंगे अरे फेल हो गया, अरे फेल हो गया, जाके गांव में जाइए ना, पता चल जाए फेल हो गया। मुख्यमंत्री ने बिहार कॉन्क्लेव द न्यू रोड मैप कार्यक्रम में कहा कि शराबबंदी के लिए कानून तो है ही, लेकिन सरकार जन जागरण की मदद से इसे सफल बनाने में जुटी है। शराबबंदी कानून से माफिया में डर, जन जागरण से हो रहा बदलाव। हमारा संकल्प अपना काम करने का है, आपको मजा आता है मजा करिए, आनंद में रहिए, अंदर कहीं किसी तरह से पीपा लेते हैं धरा जाइएगा तो अंदर जाइएगा, हम क्या करेंगे। लेकिन आप जरा बताइए कि हम सिर्फ कानून के सहारे शराबबंदी और नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, उसके लिए जन जागृति पैदा कर रहे हैं, और जन जागृति का उदाहरण है 4 करोड़ लोगों का मानव श्रृंखला में शामिल होना। बिहार सरकार शराब की तस्करी में बड़े लोगों के शामिल होने की बात तो कह रही है, लेकिन शराबबंदी के 20 महीने में एक भी बड़ा चेहरा सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल ये है कि शराब बेच रहे ताकतवर लोगों को अब तक कौन बचा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराब का कारोबार करने वाले लोगों को ताकतवर लोगों का संरक्षण हासिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराबबंदी का जो मजाक उड़ा रहे हैं वो जाकर गांव में देख लें शराबबंदी का क्या असर हुआ है, और जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उनको टर्मिनेट कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, बर्खास्त कर देंगे। सवाल हम यही पूछने बैठे हैं कि आखिर कौन से ताकतवर लोग हैं जो शराब के कारोबार में, अवैध कारोबार में लगे हैं। क्या वाकई शराब बिहार में बिकना पीना रुक गया है या फिर सच कुछ और है? फिलॉसफी का एक सिद्धांत है, उसको आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी तथ्य जो होता है ना, वो ना पूरी तरीके से सच होता है ना पूरी तरीके से झूठ होता है। सच और झूठ के बीच में ग्रे एरिया होता है और सारा तथ्य वहीं चक्कर लगाता रहता है। कोई तथ्य सत्य के अधिक नजदीक होता है, कोई झूठ के अधिक नजदीक होता है। शराबबंदी को लेकर जो भी बात कही जाए उसमें यही जो सिद्धांत है वो सही प्रतीत होती नजर आती है। खैर, 3 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ मिथिलेश तिवारी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, हमारे साथ अरविंद निषाद हैं, आरजेडी के जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं। तीनों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अरविंद निषाद, कौन से ताकतवर लोग हैं जो शराब के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, जब से शराबबंदी का अभियान बिहार सरकार ने चलाया है, आपको ज्ञात होगा कि इस धंधे में, इस कारोबार में कई बड़े लोग पकड़े गए। पिछले दिनों बेऊर थाना, जो पटना नगर में अवस्थित है, पूरे थाने को निलंबित कर दिया गया। अरे हम अधिकारियों के, मैं क्या क्या जो बेऊर थाने में जो लोग बैठते हो, क्या अधिकारी के श्रेणी में नहीं आते? वही श्रेणी में है। नीतीश कुमार कह रहे हैं ताकतवर लोग इसमें शामिल है श्रेणी। अभी अगर यही बता दिया जाएगा तो सरकार कैसे कार्रवाई आगे करेगी?
अपनी रणनीतियों का खुलासा यही हम लोग कर दें। इसलिए धैर्य रखें हम लोग। सरकार को गुप्त सूचना और सूत्रों के आधार पर जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर सरकार कार्रवाई करती है। आप देखिए जिस प्रकार से तरह तरह के सामान, तरह तरह के गाड़ियों में, रेल डिब्बों में अनेकों प्रकार से लोग ला रहे हैं शराब। हम पूछ रहे हैं कुछ, मैं उसी पर आ रहा हूं। तो तरह तरह से शराब का राजस्व, तरह तरह शराब का लोग आयात कर रहे हैं, मंगा रहे हैं यहाँ पर, और उसका यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। आप मान रहे कि लोग मंगवा रहे हैं शराब? अरे भाई पकड़ा रहा है, इसका मतलब है कि लोग मंगा रहा है। अगर पकड़ा रहा है तो वो जितना पकड़ा रहा है उससे कितना ज्यादा बिक रहा होगा ये आपको अंदाजा होगा? देखिए मैं जो पहले मेरी बात को सुन लिया जाए उसके बाद। हमारा तो एक सवाल का जवाब दे ही नहीं रहे। हम तो मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि ताकतवर लोगों का संरक्षण समर्थन हासिल है शराब का कारोबार करने वाले को। कौन से ताकतवर लोग हैं वो? खुलासा होगा आने वाले दिनों में। सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर है वो आप इसकी तुलना? नहीं नहीं नहीं, आप इस देखिए, आप इसको ऐसे समझे ना कि जो इस कारोबार में संलिप्त लोग हैं, जो इस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जानकारी सरकार तक पहुंची है। सरकार ने उन लोगों पर कड़ी निगाह रखी हुई है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में आप धैर्य रखें, इत्मीनान से रहें, सरकार की पूरी नजर है उन पर, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कितने ताकतवर लोगों को आपने पकड़ा है? बहुत सारे लोग। एक भी ताकतवर का नाम बताइए। देखिए यहां पर गिनती तो मैं अभी नहीं गिना पाऊंगा, लेकिन सरकार के स्तर पर जो कार्रवाई हुई है, मैं उसकी बात मैं बता रहा हूं। हम आपको बता रहे हैं ना कि 15,000 लोगों को आपने शराबबंदी कानून लागू होने के बाद पकड़ा है। जरा एक ताकतवर आदमी का नाम बता दीजिए 15,000 में से। देखिए इस कारोबार में शामिल बड़े लोग जिसकी पहचान की गई और पुलिस विभाग के लोगों ने पहचान की कि इनकी मिलीभगत से शराब की बिक्री कराई जा रही है। आप इसको मान नहीं रहे हैं। मेरे आप पूरे थाना को निलंबित कर दिया गया, दूसरे जिलों में पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई। डीएसपी अभी हाल ही में उत्तर बिहार में एक डीएसपी को शराब कारोबारियों के साथ पकड़े जाने पर उन पर कार्रवाई हुई। आप इसको नहीं मानेंगे, सरकार की कार्रवाई को आप नहीं मानेंगे। हाँ कोई दिखाने के लिए, बताने के लिए कोई बड़े अधिकारियों का नाम बताइए, कोई बड़े रसूख वाले लोगों का नाम बताइए। अरे सरकार का अपना काम करने का तरीका होता है। अरविंद निषाद, बड़ा सामान्य सवाल हमने पूछा था कि ताकतवर लोग कौन है, आपने क्या जवाब दिया ये आप जानते हैं, और आप हमको जबरदस्ती वो मनवाना चाहते हैं कि बेउर थाने का जो थानेदार जो निलंबित कर दिया गया वो ताकतवर लोग हैं मुख्यमंत्री की नजर में। आपकी परिभाषा आप कह रहे हैं, जनता सब सुन रही है। शक्ति यादव जी, कौन लोग हैं ताकतवर लोग? इशारा कहीं आपकी ओर तो नहीं है? आपकी ओर मतलब आपके लोगों की ओर। देखिए ताकतवर को माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं, लेकिन कुछ अपनी मजबूरियों के कारण वो बोल नहीं पा रहे हैं। सरकार में बने रहने जो मंत्री बने हैं उनके बारे में जानते हैं, जिनकी रातें रंगीन होती है, हम उन पर कोई ध्यान आकृष्ट आपके टीवी के माध्यम से अन्य लोगों को नहीं करना चाहूंगा। शराबबंदी का सुनिए, पहले आप सुनिए ना, एक सेकंड नहीं बोलिएगा। सुन लीजिए अरविंद निषाद, सुन लीजिए, आप उनकी बात सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। नंबर दो, शराबबंदी कानून महागठबंधन की सरकार में बनी, आप इसके एग्जाम्पल हैं। बिहार आया गांव-गांव तक, पहले शराब की एक ये बात आप मानक याद आने आप सुन तो लीजिए ना, हम तो आए तो ठीक है काम न किए, लेकिन गांव के पंचायतों तक, गांवों तक शराब गई। शराब गांव के आम लोगों से पकड़ से दूर हो, शराब ये मंशा थी। लेकिन जिस तरह से मिलीभगत से, एडमिनिस्ट्रेशन के मिलीभगत से ये शराब सारे खेप पार किए जाते हैं, ये फेलवर ऑफ द गवर्नमेंट है शराब मामले में। इसलिए है कि अगर लार्ज स्केल पे किसी जिला में पकड़े जाते हैं तो एक एसपी पर आपने कार्रवाई की, नंबर एक आ रहा है। नंबर एक, नंबर दो, चिन्हित करके अगर सिर्फ कार्रवाई गरीब लोगों को करिएगा, कमजोर तबके, मैं किसी जाति की बात नहीं करता, कोई भी गरीब व्यक्ति जो गांव में रहने वाला, किसी जाति धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, उन पर अगर सिर्फ कार्रवाई करें, कोई रसूखदार व्यक्ति
जिसका रिश्ता कहीं आपसे जुड़ता हो, वो अगर पकड़ा जाता हो तो पूरी की पूरी एक्साइज से लेकर के पुलिस पदाधिकारी पर ही कार्रवाई उल्टी हो जाती हो। माफ करेंगे, हमारे कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर रसूखदार है, कोई भी ताकतवर है, तो भेयर इज गवर्नमेंट। एक सवाल सामने है, नीतीश जी कह रहे हैं पकड़ेंगे आप, अरे भाई छोड़, तो कहते कहते भी हम तो कहा, कौन कह रहा है आपको छोड़ दीजिए, कानून इस राज्य के अंदर में है, कानून अगर बन गए हैं, कोई भी व्यक्ति रसूखदार हो, एनी पर्सन, एनी कम्युनिटी, एनी रिलीजियस, आप उसको पकड़िए, कौन रोका है। लेकिन एक सिर्फ मेरा सवाल है कि जिन जिन जिलों में बड़े खेप पकड़े गए, लार्ज स्केल पर आखिर पार कर रहा है, एक को पकड़ लिया जाता है, पुलिस जानबूझ करके पकड़ती है और रेस्ट पर, फॉर एग्जाम्पल हमारे जिस जिले में मैं आता हूं, वहां पर जिस असेंबली कंस्टिट्यूंसी से मैं बिलोंग करता हूं, मैंने 50 बार ध्यान आकृष्ट किया, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए ये ठीक नहीं है, ये व्यक्तिगत आरोप हो जाएंगे, इसीलिए इन पर आप क्या, एक भी बड़ा पदाधिकारी को नहीं पकड़ता, मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं हुआ, दरभंगे में क्यों नहीं हुआ, मोतिहारी में क्यों नहीं हुआ, किस स्थिति पर कार्रवाई हुई। आप मिथिलेश तिवारी से जवाब लेते हैं, हम आएंगे अरविंद सर। मिथिलेश तिवारी, जो शक्ति यादव कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, दूसरी बात यह कि एक कॉमन परसेप्शन है कि लोगों के बीच, हम हकीकत नहीं जानते, एक कॉमन परसेप्शन है कि यार जो रसूखदार लोग हैं उनका बड़ा वर्ग जो है वो तो बड़े आराम से शराब पी रहा है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो पॉलिटिशियन हो, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, वो तो बड़े आराम से शराब पी रहा है, पकड़े तो जा रहे हैं गरीब लोग। और आप कह रहे हैं, आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ताकतवर लोग शामिल हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं, तो आपकी बात का कैसे भरोसा करें। देखिए, शराबबंदी का जो कानून है ये बड़ा फैसला है और कड़ा फैसला है, और मुझे लगता है कि बिहार के हित में है, और इसका इसकी वानगी दिखी जब पंचायत के चुनाव हुए। मुझे ये लगता है कि कोई भी नया कानून आता है तो उसको प्रभावी होने में समय लगता है। नया, अब नया आप कह रहे हैं? नहीं, अभी तो हाल ही में लागू हुआ है। कितना दिन हुआ लागू? अभी कितना दिन हुआ, डेढ़ साल के आसपास? डेढ़ साल हो गया, तो अभी नया कह रहे हैं, महीना जीएसटी हो गया। मैं एक बात कहूंगा कि जो आपने इशारा किया कि वो रसूखदार लोग कौन है, बड़े लोग कौन है, तो मुख्यमंत्री जी अब इसलिए बोल रहे हैं कि अब हम लोगों के साथ हैं वो, अब उनके जबान पर किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं इससे पहले नीतीश जी और उनका जबान कंट्रोल, नीतीश जी बोलते नहीं थे लेकिन करते तो थे। मनोरमा देवी का उदाहरण है, गया वाला, जो आप बड़ा नाम पूछ रहे थे, बड़ा नाम मैं आपको बता रहा हूं। अरे मनोरमा देवी किस पार्टी की नेत्री है? मनोरमा देवी किसी की हो, एक एमएलसी है, और अगर एमएलसी पर एमएलए पर कार्रवाई होती है तो इसको बड़ी कार्रवाई मानी जानी चाहिए। सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करती। मनोरमा देवी पर शराब के कारोबार का आरोप नहीं था? नहीं, मनोरमा देवी के घर में, मनोरमा देवी के घर में जो उनके स्वामित्व में घर है, मनोरमा देवी वहां थी भी नहीं, एक दो बोतलें पकड़ी गई थी, मनोरमा देवी पर शराब कारोबार करने का आरोप नहीं। मेरा तो ये कहना है कि अगर एक एमएलए के घर में भी, एक एमएलसी के घर में भी एक बोतल शराब पकड़ा गया तो सरकार ने कार्रवाई की। कुछ गैर सरकारी आंकड़े हमारे पास, गैर सरकारी आंकड़े हैं। मैं एक बात कहूंगा कि जो शक्ति भाई ने कहा, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने गांव गांव शराब पहुंचाया, तो नीतीश कुमार जी ने अगर गांव गांव, उनकी सरकार का उस समय ऐसा था कि शराब की दुकान खुलने चाहिए, लेकिन जिस बिहार में इतनी आर्थिक तंगी होने के बावजूद अगर मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया, तो यह फैसला तुगलकी फरमान आपने कहा था, आपने तुगलकी फरमान ढांचे की राजनीति ढांचे के बारे में मुद्दे पर आइए। लेकिन हम देखिए ना, देखिए एक फैक्ट, अभी हमारे पास एक गैर सरकारी आंकड़ा है, वो कहता है, ये सरकारी नहीं है, सरकारी हो भी नहीं सकता, वो कहता है कि बिहार में जो आज की तारीख में जो अवैध शराब का कारोबार है वो प्रति महीना 1000 करोड़ रुपए का है, और इसमें से 500 करोड़ रुपया जो है सरकारी तंत्र के पास पहुंचता है, चाहे वो एक्साइज के लोग हों चाहे वो पुलिस के लोग हों। ये पुष्टि करने वाला आंकड़ा नहीं, लेकिन एक गैर सरकारी संगठन ने सर्वे किया और उसने हमारे पास भेजा कि 500 करोड़ रुपया प्रति माह सरकारी तंत्र के पास जाता है, क्योंकि कोई भी कारोबार बगैर सरकारी तंत्र के संरक्षण या फिर संलिप्तता के चल नहीं सकता, अवैध कारोबार। तो ये कहां जा रहा है पैसा, किन के पास जा रहा है, कौन लोग खुशहाल हो रहे हैं? बेल टू डू पर्सन नहीं, मिथिलेश तिवारी से पूछ ले। देखिए, ये पता नहीं आपने आंकड़े कहां से कारोबारी, आप तो गोपालगंज के विधायक है, गोपालगंज जिले से आते हैं, आपके जिले में क्या हाल है ये बताने की जरूरत है? मेरे जिले में तो कल ही एक ट्रक शराब पकड़ा गया है। मैं ये कह रहा हूं, क्या कार्रवाई हुई? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं
एक ट्रक शराब के बाद एसपी कैसे है? शक्ति भाई, मैं ये कह रहा हूं कि चाहे वो खजुरबानी कांड हुआ हो, चाहे कल भी एक ट्रक शराब पकड़ा गया हो, मुख्यमंत्री ने जब खुद स्वीकार किया कि इसमें अभी भी बड़े लोग लगे हुए हैं, ये बात सही है कि छोटा आदमी ये कारोबार नहीं कर सकता है। तो छोटे को खाली जेल क्यों भेज रहे हैं? केवल तो पीने के, तो कानून है, जो पिएगा वो भी जेल जाएगा। जो बड़ा कारोबारी है, जो बड़ा है उसको छोड़ दीजिएगा। हर बड़े कारोबारी को कहां छोड़ा गया? कोई एक उदाहरण तो बताइए। आप छोड़ा, हम पकड़े कहां गए ताकतवर लोग? कौन है वो लोग? मुझसे उत्तर ले लीजिए ना, बताइए। देखिए, आय से अधिक संपत्ति कानून बनाने वाला देश में बिहार पहला राज्य था। उसके उस कानून बनने के बाद पहुंच गया थी। अरे सुनिए तो, कानून बनाए जाने के बाद नारायण, तत्कालीन डीजीपी नारायण मिश्रा के आवास पर छापेमारी हुई, उनके यहाँ संपत्ति पकड़ी गई और उसमें आज स्कूल के बच्चे को लेकर ना 1947 की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद आईएएस अधिकारी शिवशंकर वर्मा जी पर छापेमारी हुई, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगी, आगे आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगी, चाहे बड़े लोग हो छोटे लोग हो इस कारोबार में, जो भी लोग हमने उदाहरण पेश किया है इसका, आज स्मगलिंग नहीं हो रहा, आज स्मगलिंग नहीं हो रहा, आज देश में स्मगलिंग नहीं हो रहा। सत्यादम देखिए, शराबबंदी राजनीतिक विषय नहीं है, शराबबंदी है ना, ये अवेयरनेस। आप ताकतवर लोग पकड़े जाएंगे? ताकतवर में जा रहा हूं, ताकतवर जो भी है, एक बात जान लीजिए, बिना सरकारी संरक्षण के कोई व्यक्ति हिल नहीं सकता। और मैंने एक बड़े अधिकारी को मैंने कहा कि लोग अपने संरक्षण में 20 गाड़ी पार करवाते हैं और एक गाड़ी पकड़वा कर करके सोशल मीडिया पर और टीवी पर दिखलाते हैं कि पकड़ा गया शराब। इसमें बड़े स्तर पर 25 गाड़ी खेप पार कर गए और एक गाड़ी को पकड़वाया जाता है, ये रिपोर्ट है, सरकार के पास भी आंकड़े हैं। और ये जो सुन लीजिए, ये जो आपकी संस्थाएं ने जो रिपोर्ट रपट दी है आपके सामने, उसने जो किया है एवल्यूएशन जहां से भी सर्च करके, इसमें जो भी अतरंजना मान सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इसको परफेक्ट नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन करीब है, सत्य के करीब है। और मैं इस बात से कहता हूं कि 1000 करोड़ का मंथली अगर इस राज्य के अंदर में शराब, अवैध शराब, शराब का कारोबार हो रहा है, तो हमारे नीतियों पर यह सवालिया निशान है। चलिए, शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आप, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि पहले सरकारी तंत्र को दुरुस्त करना पड़ेगा, ताकतवर लोग तभी पकड़े जाएंगे। और एक बात जरूर है कि बगैर सरकारी संरक्षण के, सरकारी संलिप्तता के, सरकारी तंत्र जो है, जो भी लोग बैठे हैं उनकी संलिप्तता के, हो नहीं सकता इस तरह का कारोबार। शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो आप देख रहे थे हमारा खास तो बात पे बात, जो यहीं समाप्त होता है, लेकिन जी बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहेगा हमारा।